और यहाँ चल रहा है फोटो शूट, पहले एंजॉयमेंट फिर चलेंगे आगे। तो गाइस हमने ट्रैकिंग कर लिए और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और ट्रैकिंग का वीडियो है, पूरा ट्रैकिंग किया है हमने। तो चलते हैं आगे, नया व्यू है, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त दिख ही गया होगा आपको। चलिए चलते हैं, इसका आनंद लेते हैं। तो गाइस यहाँ करते हैं थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा एंजॉयमेंट, फिर चलेंगे आगे। तो गाइस चलिए यहाँ थोड़ा पानी में बैठकर अपनी थकान उतारते हैं। तो गाइस यहाँ पर आइए, और विद फैमिली भी आप आइए, विद फैमिली आओ, पूरी फैमिली अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकती है। पूरा मतलब वीकेंड में आप यहाँ पर आके और पूरा दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है वीकेंड एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस इधर बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छी जगह है, पूरा दिन निकाल सकते हो आप, और काफी अच्छी जगह है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। पूरा दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करना है तो उसके लिए एक अलग से कपड़े लेकर आइए, तो आप कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो ये कर रहे हैं रोड क्रॉस। और अगर आप अगर ऐसी जगह पर आते हो और ऐसे बच के चलोगे तो कैसे मज़ा आएगा ऐसी जगह का। इसी जगह पर आओ और फुल एडवेंचर का मज़ा लो। तो लो भाई पाड़ो, तो गाइस ये देखो पानी एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। देखो इसमें आपको छोटी छोटी क्यूट सी मछलियां भी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ चल रहा है फोटो शूट, क्या बात है, ये है रोड। और ये है मिनी वाटरफॉल फॉर चिल्ड्रन, क्या बात है भाई, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत मस्त है। तो गाइस इस साइड है कुछ, थोड़ा इस साइड चलते हैं, एक नई जगह नजर में आई है, थोड़ा देखते हैं उसको भी। ऐसी जगहों पर आके कोई प्लेस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग अपना मजा है, पूरा एक्सप्लोर करो। एक दिन की जगह दो दिन रुको, लेकिन पूरा एक्सप्लोर करो। ये देखो पानी में पत्थरबाजी चल रही है सामने, चलते हैं आगे अपन भी, देखते हैं क्या मजा आ रहा है पानी में पत्थर फेंकने में, अपन भी ट्राई करते हैं। अरे वाह वाह,
ओ वाह, ये देखो छोटी छोटी मछलियां हैं इसके अंदर पानी में, एकदम क्लियर दिख रही है क्योंकि पानी एकदम साफ है और अजीब सा ही लग रहा है। किस टाइप का पानी है भाई? पानी तो ठीक है, ये पीला पीला क्यों है यहाँ पे पता नहीं, इधर काला काला है उधर पीला पीला है। चलिए चलते हैं इस पत्थर पे, इस पत्थर पर खड़े होके व्यू लेंगे। अरे वाह, चलिए चलते हैं अब यहां से आगे। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे स्विमिंग एरिया में। तो गाइस अब हम यहाँ पर नहाएंगे। तो गाइस यहाँ पर पानी में से नीचे से कचरा आ रहा है, नीचे जो जमा हुआ है ना, जैसे ही पांव रखो तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ तो नहाने में मजा आएगा नहीं, स्विमिंग करने में नहीं मजा आएगा। चलते हैं, इसके सामने एक प्लेस है वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस ये है कंप्लीट स्विमिंग एरिया और यहाँ पे पानी भी थोड़ा सा डीप है, ज़्यादा नहीं है, आप कंप्लीटली स्विमिंग कर सकते हो और क्लियर भी है पानी यहाँ पे, मतलब कचरा ऊपर से नहीं आ रहा है। मैंने पूछा एक जन को जो सामने नहा रहे हैं, वो भी बोले। तो यहाँ पर करते हैं थोड़ी देर एक्सप्लोर, थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर चलते हैं आगे। एकदम चिल्ड पानी है यार। चलिए डुबकी मारते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या मजा है। भाई साहब पानी एकदम क्लीन है, एकदम पानी को ऊपर से एकदम गौर से देखो ना तो अंदर सब कुछ एकदम क्लीन दिख रहा है, एकदम क्लीन, एकदम 4K HD जैसा। ओ भाई बहुत ठंडा पानी है यार, चिल्ड पानी एकदम, ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा, डुबकी लगाई नहाए तब मालूम पड़ा, मजा आ गया। लेकिन अब यहाँ पानी में बैठ के पानी के अंदर देखते हैं क्या क्या दिख रहा है अंदर, क्या क्या है नीचे। नीचे तो कुछ भी नहीं है, क्लीन पानी, पत्थर और छोटी छोटी मछलियों के अलावा। और ये चल रहा है पानी में पत्थरबाजी का कंपटीशन, बचपन की याद है, क्या आप भी ऐसा करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ખુલ્લું મૂકી જાય શરીર
ये पानी में एकदम सीधे बिना हाथ पर हिलाए एकदम सीधे पड़े रहो, बहुत मजा आता है। लेकिन ये करते कैसे है समझ नहीं आ रहा। भाई 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 छोड़ना मत खाली, नहीं तो बिना मतलब के गोटे लग जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है यार पानी पे लेटने में। तो गाइस चलिए करते हैं यहाँ से एग्जिट और अब आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी। आपको अगर इधर तक जाना है तो इधर तक के लिए भी आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस और टैक्सी वगैरह मिल जाती है। तो गाइस ये हैं बसेस जो आप अहमदाबाद से आना चाहो तो अहमदाबाद से इधर और इधर से पोलो फॉरेस्ट की बस मिल जाएगी आपको। हमारी गाड़ी तो आगे पड़ी है, चलते हैं आगे। यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं लोग। ये बसेस वगैरह आती हैं स्कूल की ट्यूशन वगैरह की। वाव क्या व्यू है यार, यहाँ पे स्विमिंग करने में और भी मजा आएगा भाई। ऐसे रोड पर पैदल चलने में भी मजा आता है, जंगल वगैरह में खाली रोड एकदम। ना ये नहीं आपड़ी बाहर से टेट। हाँ बाहर इतने ही है। अगर अगर एक तमार जोड़े काको नहीं तो ना कोई नहीं काको। कैम सु थयो ले अमर तेती अबे पानी मुकलु तो बिस्मेरी ये काका ने उठावी लुती से है। हां बाकी पेटी पेटी बाकी पेटी। ओहो आप आज पेशाब करवा गया ने। हां ये देखी क्या था पानी कौन ले पानी ले गया। तो गाय से साइकिल वाले भाई साहब बोल रहे हैं कोई इनके पानी की बोतल की पेटी उठा के ले गया है। तो भाई ऐसा मत करो, किसी गरीब की मेहनत पर पानी मत फेरो। तो गाय चलिए चलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ